सो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गूगल पे का बिजनेस अकाउंट बिना एजेंट के कैसे बनाए। आप घर बैठे खुद से सिर्फ 5 मिनट में गूगल पे का एक बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। एंड अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाने के बाद आप डिजिटल क्यूआर कोड की मदद से पेमेंट भी एक्सेप्ट कर पाएंगे और 6 से 7 दिनों के अंदर आपको आपका फिजिकल क्यूआर कोड भी डिलीवर कर दिया जाएगा। तो 2022 में गूगल पे का बिजनेस अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है ये जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गूगल पे का बिजनेस अकाउंट बनाने का तरीका तो आप इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद जान ही जाएंगे, पर अगर आप फोन पे का मर्चेंट अकाउंट और अमेजोन पे का मर्चेंट अकाउंट भी बिना एजेंट के बनाना चाहते हैं तो इन पर भी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। एंड इन दोनों मर्चेंट के क्यूआर कोड की अनबॉक्सिंग और एक्टिवेशन प्रोसेस की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। तो अगर आप वॉच करने में इंटरेस्टेड हो तो आप इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो गूगल पे का बिजनेस अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको इस ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करना होगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगी। इंस्टॉल हो जाने के बाद इसे ओपन करें, इधर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। इधर आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी। अगर आप इसी आईडी से अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू करें, और अगर आप आईडी को चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर किसी दूसरी आईडी को चूज कर लें। आईडी चूज करने के बाद कंटिन्यू करें। फिर इधर अगर आप खुद का एक बिजनेस अकाउंट एज अ ऑनर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप पहले वाले पर क्लिक करें, और अगर आप किसी दूसरे का बिजनेस एज अ स्टाफ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दूसरे वाले पर क्लिक करें। तो हम खुद का एक बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं इसलिए हम पहले वाले पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इधर आपको अपने बिजनेस की पूरी डिटेल एंटर करनी होगी, जैसे इधर आप बिजनेस ओनर नेम एंटर करें, इधर शॉप नेम एंटर करें, इधर रजिस्टर्ड बिजनेस नेम एंटर करें, इधर टाइप ऑफ बिजनेस पर क्लिक कर आप इनमें से अपना बिजनेस टाइप चूज कर लें। सभी डिटेल फिल करने के बाद कंटिन्यू करें। एंड अगर आपकी एक छोटी सी शॉप है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि इधर क्या फिल करें, तो सिंपल इधर इस बॉक्स में अपना शॉप नेम एंटर करें, इन बॉक्स में आप अपना फुल नेम एंटर कर लें, इधर टाइप ऑफ बिजनेस पर क्लिक कर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को चूज कर लें। करने के बाद कंटिन्यू करें। फिर इधर से आप अपने बिजनेस कैटेगरी चूज कर लें कि आप अपने शॉप पर इनमें से क्या सेल करते हैं। सी ऑल पर क्लिक कर आप और भी कई सारी कैटेगरीज को देख सकते हैं। एंड आप अपनी कैटेगरी को इधर सर्च कर भी फाइंड कर सकते हैं। बिजनेस कैटेगरी चूज करने के बाद अब आपको बिजनेस लोकेशन एड करना होगा। तो इधर आप अपने एरिया का पिन कोड एंटर करें, इधर आप शॉप नेम या स्ट्रीट नेम एंटर करें, इधर आप एरिया लोकेलिटी या विलेज नेम एंटर करें, इधर अपनी सिटी का नेम एंटर करें, इधर अपने स्टेट का नेम एंटर करें। पूरी डिटेल फिल करने के बाद अब आपको अपने बिजनेस को मैप पर कंफर्म करना होगा। तो आप कंफर्म ऑन मैप पर क्लिक करें और आपकी शॉप जिधर भी है उधर इस पॉइंटर को लाकर छोड़ दें। उसके बाद कंफर्म लोकेशन पर क्लिक करें। ऐसा करते ही आपकी लोकेशन कंफर्म हो जाएगी। तो आप सिंपली इधर कंटिन्यू करें। उसके बाद इधर अपना पैन नंबर एंटर करें, इधर उसी पैन कार्ड की फोटो या क्लिक कर लें या फिर गैलरी से अपलोड कर लें। जीएसटी नंबर ऑप्शनल है, आप इसे फिल कर भी सकते हैं और नहीं भी, पर पैन नंबर देना कंपलसरी है। गलत नंबर देने पर आपका फॉर्म सस्पेंड भी हो सकता है। तो पैन नंबर एंटर कर उसकी फ्रंट साइड की फोटो अपलोड करने के बाद कंटिन्यू करें। फिर इधर आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल एंटर करनी होगी। तो जिस भी बैंक में आप पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं उस बैंक का अकाउंट नंबर और IFSC कोड इधर एंटर कर लें। करने के बाद फाइंड पर क्लिक करें। क्लिक करते ही बैंक के ओनर का नेम इधर आ जाएगा। तो नेम चेक करने के बाद आप कंटिन्यू करें, इधर अगेन कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद आपके द्वारा एंटर की गई डिटेल्स की फुल समरी आ जाएगी। तो आप लास्ट बार पूरी डिटेल को अच्छे से चेक कर लें। अगर आपको कहीं कुछ गलत लगता है तो आप इस पेंसिल के आइकन पर क्लिक कर उसे करेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपके अकॉर्डिंग सब सही है तो आप डायरेक्ट सबमिट पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपकी डिटेल सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी एंड आपका गूगल पे का अकाउंट अंडर रिव्यू में चला जाएगा। अब आपकी डिटेल को चेक किया जाएगा, जिसे चेक होने में 1 से 2 वर्किंग डेज का समय लग सकता है। पर अगर आपने जो डिटेल एंटर की है वह पूरी तरीके से सही है तो 1 से 2 मिनट में भी आपकी डिटेल वेरीफाई हो जाएगी। तो अगर आपकी डिटेल अप्रूव हो गई है तो आपको भी कुछ इसी तरीके का इंटरफेस होगा। इधर ऊपर आपकी शॉप का नेम से होगा। इधर क्यूआर कोड पर क्लिक कर आप अपना क्यूआर कोड देख सकते हैं। इसी क्यूआर कोड की मदद से आप पेमेंट रिसीव कर पाएंगे। तो आप डायरेक्ट शेयर पर क्लिक कर इसे व्हाट्सएप पर किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। एंड सेव पर क्लिक कर आप इस क्यूआर कोड को गैलरी में सेव कर सकते हैं। क्यूआर कोड दिखने में काफी सही है। आप सिर्फ इस एक ही क्यूआर कोड की मदद से किसी भी ऐप के UPI से पेमेंट को एक्सेप्ट कर पाएंगे।
इधर सेटिंग पर क्लिक कर आप अपने बिजनेस की प्रोफाइल और बैंक अकाउंट की डिटेल को देख सकते हैं। एंड अगर आप गूगल पे में अपने बैंक अकाउंट को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इधर बैंक अकाउंट पर क्लिक करें और इधर ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक कर आप उस दूसरे बैंक का अकाउंट नंबर और IFSC कोड एंटर कर सेव कर लें। ऐसा करते ही गूगल पे मर्चेंट अकाउंट में आपका बैंक अकाउंट चेंज हो जाएगा। सपोर्ट पर क्लिक कर अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपका पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है या पेंडिंग में शो कर रहा है, तो उसकी कंप्लेन आप इधर से कर सकते हैं। बिजनेस इनसाइट्स पर क्लिक कर आप अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म में एनालाइज कर सकते हैं कि पूरे साल में आपने कितने का रेवेन्यू किया, हर महीने कितने का रेवेन्यू हुआ, आपकी शॉप ने सबसे ज्यादा किस महीने में रेवेन्यू दिया और किस महीने में सबसे कम रेवेन्यू हुआ, ये सब चीजें आप इधर से एनालाइज कर सकते हैं। इधर कस्टमर्स बैलेंस पर क्लिक कर आप अपने कुछ पर्सनल कस्टमर्स का खाता इधर से मैनेज कर सकते हैं। एंड मैनेज स्टाफ पर क्लिक कर आप एक ही जगह से अपने सभी स्टाफ को मैनेज कर पाएंगे। इधर आपको ऊपर की साइड एक नोटिफिकेशन शो हो रहा होगा कि इंक्रीज योर मंथली लिमिट। तो अभी आपके गूगल पे बिजनेस अकाउंट की लिमिट सिर्फ 50,000 रुपीज की है, यानी कि आप सिर्फ एक महीने में टोटल 50,000 रुपए तक का ही अमाउंट रिसीव कर सकते हैं। तो अगर आपका मंथली रेवेन्यू 50,000 या उससे कम का है तो आप इसे ऐसे ही रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपकी शॉप बड़ी है और आप एक महीने में 50,000 से ज्यादा का पेमेंट रिसीव कर लेते हैं तो उस केस में फिर आपको अपने बिजनेस अकाउंट को अपग्रेड करना होगा, जिसके लिए आप इस पर क्लिक करें। फिर गूगल पे की तरफ से एक एजेंट वीडियो कॉल पर आएगा जो आपसे आपका पैन नंबर, आपका एड्रेस प्रूफ और आपको आपकी शॉप दिखाने को बोलेगा। सभी डिटेल देने के बाद एजेंट की तरफ से आपका गूगल पे का मर्चेंट अकाउंट अपग्रेड कर दिया जाएगा। फिर आप अनलिमिटेड पेमेंट बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज के एक्सेप्ट कर पाएंगे। अपने गूगल पे बिजनेस अकाउंट का फिजिकल QR कोड ऑर्डर करने के लिए नीचे की साइड आप जो फ्री प्रिंटेड QR कोड विल बी डिस्पैच टू, नीचे की साइड आपका एड्रेस होगा, तो आप इधर कंफर्म पर क्लिक करें। इधर आपका फुल एड्रेस आ जाएगा तो आप इधर कंटिन्यू पर क्लिक करें। उसके बाद इधर आपको शो होगा कि आपका QR कोड एक वीक के अंदर आपके एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाएगा, तो आप इधर कंफर्म एंड सेंड पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपका QR कोड ऑर्डर हो जाएगा। नीचे की साइड आपको स्विच ऑन वॉइस नोटिफिकेशन फॉर पेमेंट्स का एक ऑप्शन शो होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई भी पर्सन अगर आपके QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करता है तो पेमेंट अकाउंट में रिसीव हुआ है कि नहीं, वह आपको वॉइस नोटिफिकेशन के थ्रू पता चले, तो उसके लिए आप इधर एक्टिवेट पर क्लिक करें। इधर आप वॉइस नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। नोटिफिकेशन आप किस लैंग्वेज में सुनना चाहते हैं वह आप नीचे से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी किसी भी लैंग्वेज को अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। चलिए हम आपको वॉइस नोटिफिकेशन का एक डेमो दिखा देते हैं कि किस तरीके से आपको बताया जाएगा, तो सुनिए। एग्जाम्पल, रिसीव्ड 1 रुपी ऑन गूगल पे फॉर बिजनेस। उदाहरण, गूगल पे फॉर बिजनेस पर 1 रुपया मिला। एंड आपके अकाउंट में करंट में क्या ऑफर चल रहा है वह आप इधर से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था 2022 में गूगल पे का मर्चेंट अकाउंट बनाने का कंप्लीट प्रोसेस। जैसे ही हमें गूगल पे का मर्चेंट के डिलीवर्ड होता है वैसे ही हम उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बना देंगे एंड उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। पर फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। आपके मन में जो भी डाउट है वह आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।